अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब ऑफिस से वापस रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ की गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है। शहबाज शरीफ की गाड़ी से एहलकार को टक्कर लगने से एहलकार जख्मी हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब ऑफिस से वापस रवाना हो गए हैं, जबकि शहबाज शरीफ की गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है। शहबाज शरीफ की गाड़ी से एहलकार को टक्कर लगने से एहलकार जख्मी हुआ है। साउथ बर्ड हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। साउथ बर्ड बचाएगा, अपोजिशन लीडर वापस रवाना हो गए हैं जबकि एक एहलकार जख्मी हो गया है। आज बिल्कुल ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज आमदन से जायद और मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर नैब लाहौर में पेश हुए थे। जब वो वापस निकल रहे थे तो पंजाब पुलिस के एहलकार जो सुबह से यहाँ पर ड्यूटी पर मामूर थे, एक एहलकार के पाँव के ऊपर शहबाज शरीफ की जो गाड़ी थी वो चढ़ गई। शहबाज शरीफ के ड्राइवर ने चंद सेकंड्स के लिए गाड़ी रोकी और देखा कि बचत हुई है कि नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ बाहर नहीं निकले और यहाँ से रवाना हो गए। पुलिस एहलकार जो है वो लंगड़ाकर चल रहा था और जो मुतलका यहाँ पर DSP और SHOs थे उन्होंने उसको दिलासा दिया और फौरी तौर पर उसकी तिब्बी इमदाद के लिए उसको मुतलका जो करीबी हॉस्पिटल है वहाँ पर उसको रवाना कर दिया गया है। सुबह से एहलकार यहाँ पर मौजूद थे और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। बाहर निकलते हुए ये वाक्या पेश आया और जब पाँव जख्मी हुआ तो अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ ने निकल कर देखने की भी कोशिश नहीं की कि कौन सा एहलकार था जिसका पाँव जो उनकी गाड़ी के नीचे आया है। तो पुलिस एहलकार जो बाकी लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने फौरी तौर पर उस एहलकार को सहारा दिया और फौरी तौर पर जो DSP थे उनकी हिदायत जारी करते हुए उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि इस एहलकार को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें। अब हॉस्पिटल ले जाया गया है, वहाँ पर जाकर जो यहाँ पर पुलिस एहलकार हैं उनका कहना है कि फौरी तौर पर पाँव का एक्सरे करवाया जाएगा और देखा जाएगा कि खुदा ना खास्ता कोई फ्रैक्चर तो इसमें रूनमा हुआ है या नहीं। अतहम शहबाज शरीफ जो है वो अपनी पेशी मुकम्मल करके तकरीबन 1.5 घंटे बाद नैब लाहौर से रवाना हो चुके हैं। जी ठीक है, 1.5 घंटे बाद पेशी पूरी करके नैब से रवाना हो गए हैं शहबाज शरीफ। साउथ बर्ड बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ की गाड़ी से एहलकार को टक्कर लगने से एहलकार जख्मी जरूर हो गया है, लेकिन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब ऑफिस से 1.5 घंटे बाद वापस रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ की गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया है। गाड़ी उनकी एक एहलकार के पाँव पर चढ़ गई। शहबाज शरीफ की गाड़ी से एहलकार को टक्कर लगने से एहलकार जख्मी हो गया है, मामूली जख्मी हुआ है, लेकिन आपको अपडेट कर रहे हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब ऑफिस से वापस रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ की गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है। शहबाज शरीफ की गाड़ी से एहलकार को टक्कर लगने से एहलकार जख्मी हुआ है, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब ऑफिस से तकरीबन 1.5 घंटे बाद वापस रवाना हुए हैं। आपको अपडेट करें कि शहबाज शरीफ की गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है।